तो हाँ यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज है ये मेरे पोल्ट्री फार्मिंग का 34वां दिन और कल जो है इसका 35वां दिन खत्म हो जाएगा। तो कल इन लोगों का बॉडी वेट लेना ही है, तो कल तो लाइव आके बता ही देंगे, लेकिन आज बात करते हैं 34वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहो। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग ये बर्ड देखो और आप लोग गेस करो कि कल इन लोगों का 35वां दिन है तो इन लोगों का क्या बॉडी वेट होना चाहिए। तो आप लोग आराम से देख लो, पॉज वॉज करके, और कमेंट कर दो कि क्या बॉडी वेट होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इन लोगों के मैनेजमेंट के बारे में। तो पानी का जो मैनेजमेंट था उसमें जो है हम लोग एस्थमा जो कल कफ सिर्फ दिखाया था मैंने आप लोगों को, वो इन लोगों को एक टाइम के पानी में दिए थे, ठीक है, रात के समय में। इसके साथ साथ रात के ही पानी में, जब रात में हम लोग 6-7 बजे इस समय जाते हैं घर पे, तो उस समय एस्थमा देकर गए थे। और उसके बाद जो है रात में जब हम लोग इसमें वापस आए तो इसमें हम लोगों ने कोरिजोन दिया, और कोरिजोन जो है ड्रिंकर डोज दे दिया। और उसके बाद जो टंकी में बात थी, टंकी में जो है जेंडॉक्स फोर्ड जो थी दवा जो मैं लेके आया था वो दे दिया। तो छिक की बात करें तो जब हम लोग आए हैं सुबह में तो जितनी छिक थी उससे काफ़ी हद तक छिक कम हो गई थी। मोर्टैलिटी की बात कर ले तो मोर्टैलिटी तो क्या कहते हैं नॉर्मली जितना हो रही थी, एक आध मोर्टैलिटी वही थी, एक मोर्टैलिटी पूरे दिन में थी। लेकिन जो बर्ड लूज हो रहे थे ना, जो बर्ड लूज हो जा रहे थे, बर्ड थोड़ा सा आँख ओख बंद करके लूज हो जाए थे, वो लूज होने की प्रॉब्लम एकदम से चली गई जेंडॉक्स देने के बाद। अगर फीड की बात कर लें तो इन लोगों को जैसा कि मैंने बताया था 2900 किलो फीड खा के ख़त्म कर दिए थे, उसके बाद मैंने फीड लगाया था। तो जो 2900 किलो फीड है वो कब ख़त्म होगी, वो मेरे ख्याल से कल हम लोग, अगर अभी जो फीड लगी है वो तो अभी कुछ नहीं चेंज होगी, कल हम लोग दोपहर में लगभग 12-1 बजे इन लोगों में फीड लगाएंगे, तो वही जो है 2900 किलो इनकी लास्ट रहेगी। और मेरे ख्याल से 35वें दिन पे लगाएंगे, और 35वां दिन लगभग 11-12 बजे के आसपास लगाएंगे, और 1 बजे 35वां दिन ख़त्म होता है। तो लगभग उसी के पास, यानी कि अगर मैं बात कर लूँ 36वें दिन पे पूरी की पूरी 2900 किलो फीड ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ इनको लास्ट में 300 किलो फीड जो है ऐड और खिलाना रहेगा। तो आप लोगों को जो बॉडी वेट गेस करना है इनका, वैसे तो मैंने अभी तक इनका बॉडी वेट लिया भी नहीं है, तो जो इनका आपको बॉडी वेट गेस करना है वो इस हिसाब से करना है कि अभी तक इन्होंने 2900 किलो भी फीड नहीं खाया। 2900 किलो फीड खाने में भी 4 बैग कम है, और 1 बैग की साइज़ जो है 35 से 40 किलो की है, तो अभी 4 बैग खाना और बचा हुआ है, और थोड़ा सा बैग जो है यहाँ पे जो बैग बचा है वो खाना बचा है। तो ठीक है, 2900 किलो भी फीड अभी नहीं खाए हैं पूरी तरीके से, तो उसके हिसाब से आप लोग गेस करके कमेंट में कर सकते हो कि क्या बॉडी वेट होगा। और वैसे भी कल का जो दिन होगा, कल तो वैसे भी जब ये 35 दिन के हो जाएंगे तो मैं लाइव आके ही सारा कुछ दिखाता हूँ कि लाइव इनका क्या बॉडी वेट आया, क्या 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 सब चीज़ रहा। लेकिन जिस तरीके से अपना तीसरे हफ्ते पे जो हम लोगों का बॉडी वेट आया था 721 ग्राम, उसके हिसाब से तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ कर ली है। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही, तो कल मिलते हैं लाइव। कल एक वीडियो लाइव करेंगे और एक वीडियो जो नॉर्मल करने वाला हूँ वो भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।